गुड मॉर्निंग। फ्लिपकार्ट वेब डेवलपमेंट सीरीज के 17th लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो रिक्वेस्ट मेथड होती है उसके बारे में बताया था, गेट और पोस्ट के बारे में। एक क्वेरी स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, और उसको हम कुछ इस प्रकार से एक्सेस करना चाहते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंदर आगे हम और चलते हैं। ये ओरिजिनल flipkart.com है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो ये पूरा URL बन रहा है, इसमें जो पहला क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये जितना भी स्ट्रिंग बन रहा है ये आपका कहलाता है क्वेरी स्ट्रिंग। तो बहुत बड़ा और बहुत लंबा चौड़ा क्वेरी स्ट्रिंग फ्लिपकार्ट वालों ने बनाया है, बट इसको हम सिंपल वे में समझेंगे। दूसरी चीज आप देखिएगा, यूआरएल का जो पहला सेगमेंट है ये ना तो कंट्रोलर है, न ही कंट्रोलर फोल्डर है, बल्कि ये हमारी डेटाबेस के अंदर जो है कैटेगरीज टेबल में एक रिकॉर्ड होगा, जो कि टीवीएस नाम से होगा, टीवीज नाम से होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इंडेक्स है कुछ पीआर नाम से आ रहा है, वो भी हम बना लेंगे, और उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग बनेगी, तो वो भी हम एक क्वेरी स्ट्रिंग बना के देखेंगे। और जब ये क्वेरी स्ट्रिंग बनेगी उस समय हम इस क्वेरी स्ट्रिंग को कुछ इस प्रकार से इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर टीवीएस नाम की जो कैटेगरी है उसको क्रिएट कर देंगे। सो लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन मैंने किया, फ्लिपकार्ट डेटाबेस के अंदर गए, और कैटेगरी टेबल में गए, और यहां पर एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट यहाँ पर टीवीएस कुछ कैटेगरी के बारे में मैंने लिख दिया, इमेज नहीं है, पेरेंट आईडी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में ही आता है इसलिए मैंने 1 दे दिया है, ठीक है। ये देखिए टीवीएस नाम से मैंने एक कैटेगरी बना ली, सेम टू सेम फ्लिपकार्ट जैसा। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ये जो मेरा बेस एड्रेस है यहाँ पर मैं लिखूंगा टीवीएस स्लैश, आप चाहो तो पीआर लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें तो यूआरएल का जो फर्स्ट सेगमेंट है उससे हमें क्वेरी करना है बेसिकली, और हमने अपने फ्रेमवर्क को वैसा मॉडिफाई भी कर दिया था। आप ये देखिएगा कि हमारे फ्रेमवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स डॉट पीएचपी है, वो रिक्वायर कर रहा है इनिट को। एप्लीकेशन के अंदर मैं गया इनिट के अंदर, और इनिट के अंदर आगे बढ़े और पूरा का पूरा लॉजिक जो हो रहा है एप्लीकेशन का वो ऐप डॉट पी एच पी के अंदर है। ये देखिए हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने इतना काम किया था कि हमने कैटेगरी कंट्रोलर को रिक्वायर किया था, कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बना लिया था, कैटेगरी के ऑब्जेक्ट से हमने मेथड कॉल करवा के हमने जीरो इंडेक्स, मतलब ये जो पहला जो इंडेक्स आ रहा है ये हमने कॉल करवाया था। यदि रिजल्ट अगर जीरो से ज्यादा थे इसका मतलब कैटेगरी मौजूद है, तो हम क्या कर रहे थे अपने पर्टिकुलर एक व्यू को रिटर्न करवा रहे थे, ठीक है, और हमने स्टेटमेंट को डाई कर दिया। अगर रिजल्ट जीरो से अगर जीरो है मतलब ये कैटेगरी डेटाबेस में नहीं मिली, तो बाय डिफॉल्ट हमारा पहले जैसा जो सिस्टम था कि कंट्रोलर कॉल होगा फिर मेथड कॉल होगी, तो वो उस पर हम आगे बढ़ जाता था। अब यहां पर देखिए ये टीवीएस नाम की कैटेगरी डेटाबेस में थी इसलिए ये वाला रिटर्न व्यू हो गया यहां, क्योंकि यहां पर अगर मैं इस यस को अगर यहाँ पर अगर डाई करवा दूं तो आप देखिएगा कि टीवीएस इस वाले को रिफ्रेश करो तो वापस से यहाँ पर यस आ रहा है, इसका मतलब इस वाले ब्लॉक में हम एंटर कर रहे हैं। मैंने सेव किया, आउटपुट देखा, ठीक है। सो ये टीवीएस करके हमारे इसमें आ रहा है। अब इसमें आप देखिएगा कि यहां पर कुछ क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ पैरामीटर्स बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे क्वेश्चन मार्क एस आई डी इज इक्वल टू समथिंग, यहां पर
हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिले कि जिसमें प्रोडक्ट आईडी हो, ये लास्ट लास्ट में, ये आप देखिए इन्होंने कुछ ले रखा है सीआईडी। सीआईडी का मतलब है इनका कैटेगरी आईडी से, और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये कुछ कुछ इस प्रकार से इन्होंने कैटेगरी भी अपनी आईडी कुछ पास कर रखी होगी, या सीआईडी भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। बट ठीक है, हमें तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सिर्फ पहला ही पैरामीटर ले लेते हैं, ये पैरामीटर ले लिया, एसआईडी वाला ले लिया। तो यहां पर मैंने क्या किया, पीआर के बाद एक क्वेश्चन मार्क पास किया, और आप अपना जो है ये पैरामीटर एसआईडी इज इक्वल टू पास करते हैं। जैसे एसआईडी इज इक्वल टू मैंने पास कर दिया, जैसे एस के एफ, कुछ भी आप पैरामीटर पास कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ मैंने एबीसी पास कर दिया और मैंने इंटर किया। अब हमें ये चाहिए कि इस पैरामीटर को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप इस पैरामीटर को यहाँ पर डायरेक्टली, चूंकि गेट मेथड से आ रहा है इसलिए डायरेक्टली आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो कि डॉलर अंडरस्कोर गेट, और ये जो डॉलर अंडरस्कोर गेट है इसको हम कहते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। जब भी कोई पीएचपी में कैपिटल लेटर में कोई भी अगर स्टार्ट हुए डॉलर अंडरस्कोर से, तो उसको आप कहते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट। सो डॉलर अंडरस्कोर गेट क्या है, हमारा एक प्रकार का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कब यूज आता है, जब क्वेरी स्ट्रिंग में कोई पैरामीटर आ रहे होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप डॉलर अंडरस्कोर गेट का उपयोग करते हो। तो यहाँ पर हमने भी क्या किया, डॉलर अंडरस्कोर गेट का उपयोग किया, और इस सिंगल कोटेशन में यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वो पास करना है जो कि नेम है। तो आप देखिएगा हमारा नेम क्या आ रहा है, एसआईडी आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एसआईडी लिखा, और इसको आप एको करवा लो, और टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या करवा लेता हूँ, डाई करवा लेता हूँ, या डाई आप यहाँ पर ही कर लो। ये मैंने डाई किया और देखिए, ये देखिए हो गया एक्सेस, के जो एबीसी है वो एक्चुअल में इस वेरिएबल में आ रहा है, ये एक प्रकार का वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। तो उसी प्रकार से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये जैसे मार्केट प्लेस आ रहा है तो हो सकता है हम अगला पैरामीटर और पास कर दें, और अगला पैरामीटर एम परसेंट से, और यहाँ पर मैंने लिखा मार्केट प्लेस, जैसे कि मैंने लिखा फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट किया, और यहाँ पर देखिए अब सेकंड पैरामीटर इसलिए रिसीव नहीं हुआ क्योंकि उसको हमने एको नहीं करवा रखा है। सो यहाँ पर हमने मार्केट प्लेस ये किया हमने, और आप देखिएगा अब एबीसी और फ्लिपकार्ट हमारे व्यू पर दिखने लग जाएंगे। ये देखिए एबीसी भी दिख रहा है और फ्लिपकार्ट भी दिख रहा है। सो डॉलर अंडरस्कोर गेट हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमारे पास डाटा यूआरएल के थ्रू आ रहा है। सीधा सा मतलब है यूआरएल पर पैरामीटर्स दिख रहे हैं तो 100% हमें क्या यूज करना है, डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्योंकि पैरामीटर्स यदि दिख रहे हैं मतलब जो डेटा आ रहा है वो गेट मेथड से आ रहा है। दो प्रकार की मेथड होती है हमारी, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट। जब यूआरएल पर पैरामीटर दिख रहे होते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट से आ रहे हैं, और गेट रिक्वेस्ट से अगर आएंगे तो आपको डॉलर अंडरस्कोर गेट से ही आपको उसको रिसीव करना है, एक्सेस करना है। अब ये तो बहुत एक सिंपल सा तरीका हो गया जिसको सिंपलेस्ट वे में आप पैरामीटर्स को इस प्रकार से रिसीव कर सकते हैं, मगर एमवीसी फ्रेमवर्क में आप कुछ थोड़ा और बेटर करना चाहेंगे इसको एक्सेस करने का तरीका। So, हम इस प्रकार से इसको एक्सेस करेंगे कि डॉलर दिस इनपुट गेट। अब आप यहां पर देखिएगा हमारे पास ये कैटेगरी कंट्रोलर है, यहां पर हम गए कैटेगरी कंट्रोलर, और कैटेगरी कंट्रोलर एक्सटेंडेड है हमारे किससे, पेरेंट कंट्रोलर हमारे कंट्रोलर से एक्सटेंडेड है। तो यहां पर आप जो है कुछ इस प्रकार से ये पैटर्न हम यूज करना चाहेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और अभी के लिए मैं इसको क्या कर लूं, यहां पर कमेंट कर लूं, कमेंट कर देता हूं।
अब डॉलर दिस तो तब यूज किया जाता है जब आप पर्टिकुलर किसी क्लास के अंदर हो, और आप ये देखिए कि अभी जहां पर मैं काम कर रहा हूं कोई ऐप क्लास है, डेफिनेटली ऐप क्लास है, मगर ये ऐप क्लास जो है ना किसी से एक्सटेंडेड नहीं है। इसलिए अगर यहां पर मैं डॉलर दिस करूंगा तो डॉलर दिस रिप्रेजेंट करेगा ऐप क्लास को, बट हमें किसको रेफर करना है, अपने करंट कंट्रोलर को। तो करंट कंट्रोलर, क्योंकि डॉलर दिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है क्लास के अंदर, और क्लास के बाहर मतलब इस ऑब्जेक्ट को। सो मैं यहां पर इसको इस प्रकार से भी एक्सेस कर सकता हूं। ये मैंने यहां पर लिखा क्या, कैट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसके अंदर मैंने इनपुट नाम की कोई प्रॉपर्टी मुझे यहां पर बनानी पड़ेगी, किसके अंदर, कैटेगरी के अंदर। सो यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी। हमें अच्छी तरीके से पता है किसी भी क्लास के अंदर तीन मेंबर होते हैं, पहला होता है प्रॉपर्टी, दूसरा होता है आपका कंस्ट्रक्टर, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, और तीसरे होते हैं मेथड्स। मेथड कितने भी हो सकते हैं। सो आप देखिएगा, हमने यहाँ पर इंडेक्स मेथड, कैटेगरी मेथड, और शायद ये दो ही मेथड बना रखी हैं, एक कंस्ट्रक्टर है और प्रॉपर्टी एक भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना है कि यदि यहाँ पर मैं डॉलर दिस की जगह मैंने कैटेगरी ऑब्जेक्ट इनपुट लिख दिया, तो ये इनपुट एक्चुअल में इस कैटेगरी के प्रॉपर्टी इनपुट को डिनोट करेगा। मगर ये भी तो हो सकता है कि ये जो इनपुट है बेसिकली पेरेंट कंट्रोलर के इनपुट को डिनोट करे, ये भी हो सकता है, बट मैं आपको अभी पब्लिक और यहां पर मैंने आपको इनपुट लेना ये बता दिया, ठीक है। सो अब यहां पर आप देखिए कैटेगरी ऑब्जेक्ट के इनपुट पर से हमें यहां पर गेट मेथड, ये गेट एक प्रकार की मेथड है जो कि हमें कैटेगरी के अंदर कोई गेट मेथड नहीं दिख रही है, इसका मतलब हम कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, पेरेंट कंट्रोलर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और पेरेंट कंट्रोलर हमारा यहाँ पर है। सो आप चाहें तो गेट मेथड आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी मैंने यहां से हटाई और पेरेंट के अंदर डाल दिया। तो ये पेरेंट के अंदर डाल दिया, और ये यहां से मैंने कॉपी किया कमेंट, ताकि मेरा कमेंटिंग रहे, मैंने पेस्ट कर दिया। और इनपुट अब यहां पर आप गए, ये गेट नाम की मेथड मुझे कहाँ बनानी है, पेरेंट कंट्रोलर के अंदर। सो ये मैं यहां पर बना सकता हूँ। सो पब्लिक फंक्शन, और मैंने गेट नाम की मेथड बना दी। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग कर लेते हैं, हेलो हाय ओके ओके ओके, ये मैंने मैसेज लिखा, और टेस्टिंग करवा लेते हैं यहाँ पर कि क्या इस कैटेगरी ऑब्जेक्ट से, क्या डॉलर दिस, देखो कैटेगरी ऑब्जेक्ट इनपुट मतलब मैं इसके इनपुट को मैंने एक्सेस कर लिया। अब इसके इनपुट को एक्सेस कर लिया, अब इनके इसके इनपुट से, इसके इनपुट से आपको वो गेट मेथड यूज करनी है, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या करना होगा कि इस पूरे को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा पेरेंट के उसमें। तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने इनपुट एक्सेस किया, तो सबसे पहले आप अपने जो जो चाइल्ड कंट्रोल, चाइल्ड कैटेगरी है बेसिकली कंट्रोलर है, उसके कंस्ट्रक्टर से पेरेंट कंस्ट्रक्टर आप कॉल करवाओ। तो ये देखिए पेरेंट कॉलन कॉलन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ये मैंने कॉल करवाया। अब मेरा जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहां पर देखिएगा इसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो मैं यहां बना लेता हूँ। सो यहां पर मैंने बनाया पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा, तो इस इनपुट को एक्सेस करना है। तो इस इनपुट को कैसे एक्सेस करूँ, डॉलर दिस इनपुट, और इसको मैं करंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूंगा। इसी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने डॉलर दिस इनपुट के अंदर रख दिया, तो यहां से मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, डॉलर दिस इनपुट ये पूरा के पूरा एक ऑब्जेक्ट ट्रीट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट किसको डिनोट करेगा, पेरेंट के।
और पेरेंट कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट से उसी की मेथड को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। सो पेरेंट जो कंट्रोलर है उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, पेरेंट कंस्ट्रक्टर पेरेंट कंट्रोलर है उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी इनपुट नाम की, उस इनपुट को मैंने कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइज होते ही मैंने इनिशियलाइज कर दिया। और देखिएगा गेट मेथड में मैंने ओके ओके ये गेट लिख दिया, अगर ये मैसेज मेरा व्यू पर आ जाता है इसका मतलब सक्सेसफुली मैंने पेरेंट कंट्रोलर के अंदर पड़ी हुई गेट मेथड को कॉल करवा लिया। तो यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी ऑब्जेक्ट इनपुट गेट, और ये मैंने यहाँ पर कर लिया और ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। सो आप ये देखिएगा यहाँ पर ये ओके ओके गेट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैट ऑब्जेक्ट इनपुट गेट किया मैंने, तो कैटेगरी ऑब्जेक्ट के इनपुट के अंदर ये पड़ा हुआ है मेथड, तो ये आ गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमें कुछ पैटर्न हमने हमने डिसाइड किए थे कि यहाँ पर हमें नेम देना पड़ेगा। तो जैसे हमारा नेम क्या हो गया अभी SID और मार्केट प्लेस, तो मान लीजिए अगर इस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, ये मार्केट प्लेस पास करूँगा। तो ये मैंने पैरामीटर यहाँ पर पास किया, तो यहाँ जाके ये मेरा क्या होगा, ये नेम रिसीव होगा यहाँ पर, तो मैंने रिसीव किया। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली गेट, इसको नाम मैंने क्यों दिया क्योंकि यहाँ पर मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ, डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज करने जा रहा हूँ सुपर ग्लोबल। और यहाँ पर इसी पैरामीटर को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते, सिंपल सा फंडा। ये देखिए फ्लिपकार्ट एक्सेस हो गया। सो यहाँ पर आपने कुछ इस प्रकार से एक्सेस किया, कैटेगरी ऑब्जेक्ट इनपुट गेट मार्केट प्लेस। सो ये देखिएगा ये मार्केट प्लेस में फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर हाँ उनको इसी तरह से एक्सेस करना पड़ेगा, मगर जनरली यहाँ पर डॉलर दिस लिखा हुआ होगा जनरली। जैसे हम फ्रेमवर्क में आगे बढ़ेंगे उस समय क्या लिखा होगा, डॉलर दिस इनपुट गेट, क्योंकि अभी हम कहीं बाहर से ही काम कर रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ से काम कर रहे हैं, अगर हम ऑलरेडी कंट्रोलर के अंदर से काम कर रहे होते, यहाँ से काम कर रहे होते, तो आपका जनरली आप कैसे एक्सेस करोगे, डॉलर दिस इनपुट गेट या पोस्ट, जिस भी मेथड से आप यूज करना चाहोगे तो वैसे आपको एक्सेस करना है। बट अभी हम क्या है कि थोड़ा बाहर है, तो इसलिए आप यहाँ पर कैट ऑब्जेक्ट से रेफर करोगे, यहाँ पर डॉलर दिस की जगह यहाँ पर आप कैट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कैट ऑब्जेक्ट इनपुट और ये गैट। बस आपको ये ट्रीट करना है कि ये पूरा क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इनपुट एक प्रॉपर्टी है, मगर इनपुट के अंदर मैंने पेरेंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट को सेव करवा लिया। इसका मतलब ये अगर मैं इतना पूरा रेफर करूंगा तो मेरे पेरेंट कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूँ और उसके ऑब्जेक्ट से मैं उसकी मेथड कॉल करवा सकता हूं। और ये भी कर सकते हैं कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से मैं अगर ये करना चाहूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये मेथड कहां पड़ी हुई है, पेरेंट क्लास के अंदर पड़ी हुई, तो डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि यहां पर पेरेंट क्लास के अंदर मैंने क्या दे रखा है, पब्लिक दे रखा है। तो यदि अगर पब्लिक दे रखा है तो मैं किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास की मेथड को एक्सेस कर सकता हूं। तो ये मेरा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट मैंने पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करवा दिया, ये भी काम कर जाएगा, ये देखो कर गया। और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर ये डॉलर दिस इनपुट और ये ऐसे एक्सेस करना चाहूं तो भी हो जाएगा, तो भी हो गया यहाँ पर। अब एक ऐसा प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होता है यूआरएल में कुछ स्पेस आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दिया, यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दिया और मैं इसको अगर एक्सेस करूँ तो देखो ये यहाँ पर आ गया। तो हमें क्या होता है जनरली स्पेस को टर्मिनेट करना होता है, तो यहाँ पर आप जनरली उसको क्या करें कि सबसे पहली बात तो जो हम यहाँ इको करवा रहे हैं फंक्शन के अंदर, एको जितना हो सके आप एको मत करवाओ, वैल्यू को हमेशा क्या करवाना चाहिए, रिटर्न। यदि फंक्शन के अंदर से वैल्यू आप रिटर्न करवा रहे हो तो जहां कॉलिंग कर रहे हो उसके आगे एको करना पड़ेगा। सो यहां पर मैंने कैट ऑब्जेक्ट से पहले एको कर दिया और वहां अंदर जाके मैंने क्या करवाया था, रिटर्न करवाया था, इसलिए यहां से ये रिटर्न हो गया। ठीक है, तो आने वाले वेरिएबल को हमेशा आप ट्रिम करवा लिया करें। सो यहां पर एक फंक्शन होता है ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है कि आने वाले
पैरामीटर्स में यदि कोई स्पेस आ रहा है, जैसे यहां पर मैंने स्पेस दे दिया, तो ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से ट्रिम कर देगा। मतलब यहां से अगर मैंने मान लीजिए एक स्पेस यहां दे दिया और बाद में एक स्पेस दे दिया, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रिम कर देगा। सो ये देखिएगा यहां पर वो जनरली ट्रिम कर देता है, ठीक है। सो ट्रिम कर नहीं देगा, अगर आप दोगे इसको, आपके फंक्शन को कुछ इस प्रकार से बनाओगे तो ट्रिम करेगा, और आपने नहीं दे रखा होगा तो नहीं ट्रिम करेगा। इसलिए हमने क्या किया, उसको ट्रिम किया और देन रिटर्न करवा दिया। यह देखना यहां पर मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रिम कर दिया, मैं ट्रिम करना चाहता हूं ए को, तो ट्रिम का मतलब ये हो गया कि यदि फ्लिपकार्ट से पहले मेरा कोई कैरेक्टर ए आ रहा है और बाद में ए आ रहा है, तो यहां रिसीव में क्या करूंगा, वो ए और ए स्ट्रिप हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये देखिए हुआ। अब यहां पर मान लीजिए मैंने, अगर मैं इसको ट्रिम के अंदर न लिखूं, पहले जैसा लिख दूं, अब देखिए पहले जैसा लिख दिया मैंने, स्टार्टिंग में ए पास कर दिया, लास्ट में ए पास कर दिया और मैं प्रोसेस कर रहा हूं, तो यहां पर ए लिखा और लास्ट में इंटर किया। ये देखिए, तो जो कैरेक्टर आ रहे थे लेफ्ट में और राइट में, उसने ट्रिम नहीं किया। सो जनरली हम अल्फाबेट्स को नहीं बल्कि स्पेस को ट्रिम करवाते हैं, इसलिए यहां पर मैंने ट्रिम फंक्शन का यूज किया, ताकि मेरे व्हाइट स्पेस अगर गलती से लेफ्ट राइट से आ गए हो, यूजर से आ रहे हो, तो वो लेफ्ट राइट से स्पेसेस को हटा के मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो रीड हो। So, यहां पर देखिएगा, अब मैंने यहां पर कैरेक्टर क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है, इसलिए ए स्पेस नहीं है, इसलिए उसने ए को छोड़ दिया। हाँ, यहां पर यदि ये आता तो डेफिनेटली देखिएगा स्ट्रिप हो रहा है वो, so, ये मैंने स्ट्रिप किया, ये हमारे पैरामीटर्स को कुछ इस प्रकार से रिसीव करना है। अगर इसके सेकंड सेगमेंट को रीड करना है तो आप डायरेक्टली डॉलर जीरो वन को आप रीड कर सकते हो। जैसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया और मैंने इको करवा दिया, और यहाँ पर ये जीरो को मैं क्या कर दूं, वन कर दूं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम किसको रीड करवा सकते हैं, मेरे सेकंड सेगमेंट को। देखो टी आर आ गया, क्योंकि ये मेरा सेकेंड सेगमेंट है। तो फ्लिपकार्ट वालों ने भी यही कर रखा है, ये इन्होंने क्या कर रखा है, ये तो मेरी कैटेगरी है जीरो इंडेक्स पर, तो ये अपने हिसाब से MySQL डेटाबेस में कैटेगरी टेबल से उठा के ला रहे होंगे, और इसका भी उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब निकाल रखा होगा। तो अगर ऐसा कुछ आगे जरूरत लगेगी डेफिनेटली, तो मैं आराम से उसके फर्स्ट इंडेक्स को पकड़ लूंगा, डॉलर यू आर एल के फर्स्ट इंडेक्स को मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे पी आर मिल जाएगा, और जीरो इंडेक्स को मैं पिक करूंगा तो वैसे भी मुझे यहाँ पर ये कैटेगरी मिल जाएगी बेसिकली। और कैटेगरी नहीं हुई तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, मेरा कंट्रोलर या फिर फोल्डर हो जाएगा, वो पूरा मेरा फ्रेमवर्क का लॉजिक चेक करेगा, ये पूरा चेक होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर कुछ कुछ इस प्रकार से भी है कि यदि गलती से, जैसे कल मैं यहाँ पर देख रहा था टेलीविजन्स करके कुछ कैटेगरी थी, एक मिनट वापस से देख लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने लायक हैं। सो यहां पर जैसे कि कल जो आ रहा था ना, वो कुछ मोबाइल्स आ रहा था, मोबाइल्स देखिए आज इन्होंने क्या कर दिया, मोबाइल्स डैश फोन, कल तो काम कर रहा था मगर आज नहीं कर रहा है। ये देखिए हमने कल उसी हिसाब से काम किया हुआ था कि यदि मैं अगर हिट करूंगा यहाँ पर तो वो मोबाइल्स आ जाएंगे, तो इन्होंने इतना डायनेमिक इसको बना रखा है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, हर दिन ये अपने राउटिंग और ये चीजें चेंज कर रहे हैं, तो हम भी
कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। आगे धीरे धीरे फ्रेम इनके स्टाइल को समझते हुए हम भी कुछ सिस्टमेटिकली वैसा ही हम करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था कि पर्टिकुलर, ये देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब यहां से यदि मैं किसी भी एक स्पेलिंग को भी मिस्टेक कर दूं, जैसे यहां पर मैंने अगर मिस्टेक कर दिया, तो ये नॉट फाउंड वाला पेज आ जाता है कि जिस पेज के लिए आप लुक कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग हैज बिन रिमूव्ड और डिलीटेड। सो हमें भी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी अगर चाहिए, तो हमारे इसमें क्या होगा कि यदि मैंने जानबूझ के अगर कोई गलती किया और फर्स्ट इंडेक्स ना तो कैटेगरी है, ना कंट्रोलर है, ना ही कंट्रोलर फोल्डर है, तो बाय डिफॉल्ट जो है मेरा इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, सो ये ऐसा कुछ पेज हमें बनाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम बना लेंगे, बहुत जल्दी बना लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं गया, इंटर किया, और ये देखिए कि यदि जो फर्स्ट इंडेक्स है हमारे यूआरएल सेगमेंट का, अगर वो कैटेगरी नहीं हुआ, तो सेकंड प्रायोरिटी पर हमारा फ्रेमवर्क क्या चेक कर रहा है? कंट्रोलर फोल्डर चेक कर रहा है। और यदि कंट्रोलर फोल्डर भी नहीं है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर को कॉल कर देता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर हमें बस ये इतना करना है कि एल्स ब्लॉक में मैं यहाँ पर अभी क्या कर देता हूँ, मैं डाई कर रहा हूं और ये मैसेज पेस्ट कर देता हूं। अभी मैं डिजाइन विजाइन नहीं, सिर्फ एक आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ये कर क्या रखा है इन्होंने। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग हैज बिन रिमूव्ड और डिलीटेड, और ये मैंने इस कंट्रोलर के एल्स पार्ट में लिख दिया। सो आप देखिएगा, यदि मैं टीवी करूंगा तो अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग हैज बिन रिमूव्ड। और यहां पर अगर मैं अपने अपने फ्रेमवर्क के अगर फर्स्ट पेज को जाऊंगा, तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अब मैं अपनी वेबसाइट के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी ये दिक्कत आ गई, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट में ये दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि यहां पर फ्लिपकार्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एरर यहां नहीं आती है। ये जो एरर आती है, ये एरर जो है यहां आ रही है, मगर मैं अपने बेस एड्रेस पे जाऊंगा, स्टार्टिंग मेरे अपने वेबसाइट के एड्रेस पे जाऊंगा, तब तो मेरी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। बट हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये एरर यहां पर भी आ रही है। सो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा अपने यूआरएल को। मैं यहाँ पर वार्डम करवा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैंने प्री किया, कंट्रोल डी, और यहाँ पर यूआरएल को वार्डम कर लेते हैं, वार्डम डॉलर यूआरएल, सेव किया और आउटपुट देखा। देखिए यहाँ पर नल आ रहा है। सो बस यही हमारे लिए एक हिंट है कि यहाँ यदि एल्स पार्ट है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, एक लॉजिक लगा दूंगा कि यदि डॉलर यू आर एल जो है, इफ इट इज इक्वल टू एंड स्ट्रिक्टली इक्वल टू, तीन बार इक्वल टू लगा दिया, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इक्वल टू दी नल कांस्टेंट। यदि नल कांस्टेंट है तो फ्रेमवर्क बढ़ जाना चाहिए, और नहीं है तो नॉट इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इक्वल टू अगर ये हो, तो आप यहां पर क्या करवा दो, टाइप करवा दो, और यहां पर मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश। ये देखिए, ये नल को जो मैंने यहां वार्डम करवा रखा है, इसको मैं यहां से हटा दूंगा, और पेस्ट पेस्ट, ये कमेंट कमेंट कमेंट। अब देखिए काम कर रहा है। अब देखिएगा यहां पर मैंने लिखा मोबाइल्स, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है कि ऐप के लाइन नंबर 50 पर प्रॉब्लम है। सो ऐप के लाइन नंबर 50 पर प्रॉब्लम है, जो कि मैं यहाँ एको करवा रहा हूँ, और ये मैंने डाई किया, और ये सारा टेस्टिंग वाला काम था, तो जो मैं हटा रहा हूँ, अब ये देखिए हो गया।
अब यहाँ पर अगर मैं हल्का सा भी एक भी मिस्टेक कर दूं तो अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग इज नॉट अवेलेबल। और सेम टू सेम इन्होंने भी यही कर रखा है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मोबाइल्स लिखूं, और देखिएगा ये मोबाइल्स में ये मेरे पास लास्ट इंडेक्स है, ये देखिएगा कि इनका जो है ये यू आर एल का फर्स्ट सेगमेंट, यू आर एल का सेकेंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट, ये पी आर जो आ गया है थर्ड सेगमेंट पर आ गया, उसके बाद इन्होंने क्वेरी स्ट्रिंग बना रखी है। तो हमने तो बहुत सिंपल वे में समझा है, हमने मोबाइल्स लिखा, इंटर किया तो मेरा व्यू लोड हो जाएगा। और इन केस में इन्होंने क्या कर रखा है, अगर मैं इनका जो है और यहाँ पर अगर मोबाइल्स भी लिखूं तो शायद इन्होंने कहीं और जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इतना समझ लेते हैं कि हाँ मेरे मोबाइल्स पर क्या होगा, मेरे मोबाइल्स वाले राउट पर क्या होगा, ये व्यू लोड हो जाएगा। और आपको यहाँ पर भी यही अज्यूम करना है कि हाँ वो व्यू लोड हो रहा है, मतलब ये वाला अज्यूम करना है अभी के लिए आपको, क्योंकि सारी चीजें आप एक ही बार में ठीक परफेक्ट नहीं बना सकते हो, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। सो यहाँ पर ये हो गया, और जानबूझ के अगर यहाँ पर कोई एक मिस्टेक भी हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग हैज बिन रिमूव। सो यहाँ पर देखिएगा अगर ये मोबाइल्स का एस भी हटा दूं मैं और इंटर किया तो देखिए वो पेज आ गया। अनफॉर्चुनेट सिर्फ डिजाइन का फर्क है इस पेज में और इस पेज में, कुछ कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिजाइन का फर्क है। आप चाहें तो यहाँ पर इस पेज को बोलते हैं 404, 404 पेज कहते हैं। सो आप एक व्यू बना लीजिए। सो हमारे इसके अंदर गए, एप्लीकेशन के अंदर गए, व्यू में गए, और यहाँ पर मैंने बना दिया एक फोल्डर, बना दिया 404 404, और इसके अंदर मैंने बना लिया एक फाइल, बना ली इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये मेरा व्यू है। और आप ऐसा कीजिए कंट्रोल यू प्रेस करके इसी का सोर्स कोड आपने निकाला और इस पूरे सोर्स कोड को आप कॉपी कर लीजिए, बहुत सिंपल सा सोर्स कोड है। और यहाँ पर आप गए और व्यू में गए 404, यहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पूरा आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका लॉजिक चल रहा है कि ये आ रहा है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने व्यू को लोड करवाएंगे। सो कैटेगरी ऑब्जेक्ट के ही व्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं अगर ये रिक्वायर कर तो रखा है हमने। सो डॉलर दिस कैटेगरी ऑब्जेक्ट, और यहां से अगर मैं यहां पर ये करवा दूं, क्योंकि ये कैटेगरी ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर डिफाइंड हो गया था, यहाँ पर हो गया था, इसका मतलब इस कैटेगरी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो कैट ऑब्जेक्ट व्यू, और यहाँ पर मैंने कर दिया 404 इंडेक्स, और इसको मैं आप यहाँ से आप इसको क्या करें टाइप कर दें। ठीक है, अब देखिएगा कि मैंने मोबाइल्स लिखा, और यहाँ पर अगर मोबाइल्स लिखूंगा तो अपना वाला हो गया, मैं अगर गलत लिखूंगा तो, मैंने कुछ भी गलत लिखा तो फ्लिपकार्ट पर भी आप कुछ भी गलत लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ फेंकेगा, वो इसी पे फेंकेगा। और सेम टू सेम हमारे इसमें भी यही हो रहा है कि हम भी कुछ भी लिखेंगे, यूआरएल गलत टाइप करेंगे तो हमें भी यहाँ पर वो रिटर्न करवा देगा, और फ्लिपकार्ट वालों ने भी यही कर रखा है। गो गो टू होम बना सकते हैं, ये गो टू होम ये हो गया। तो गो टू होम में भी आप क्या करना, सो ये रहा हमारा गो टू होम, सॉरी 404, और गो टू होम में इन्होंने ये देखिए बना रखा बटन बना रखा और एचरेफ में सिर्फ स्लैश लगा रखा है। तो देखिएगा अब स्लैश नहीं, हमें तो यहाँ पर अपना बेस एड्रेस जनरेट करना है ना। सो यहाँ पर बेस अंडरस्कोर यूआरएल आपने क्या किया है, जनरेट करवा दिया। सो ये एफ के, कुछ भी आप गलत लिखें गो टू होम तो ये परफेक्ट है। जैसे मैंने लिखा मोबाइल, मोबाइल्स लिखूंगा तो सही लोड हो जाएगा, और कुछ भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक किया कुछ भी किया तो वो उस पर आ जाएगा कि नॉट फाउंड पर आ जाएगा, और यहाँ पर। ठीक है, सो इसमें ये हो गया, ये हो गया,
सारा ही लॉजिक थोड़ा सा यहाँ से, ये हिंट ही है बेसिकली, तो ये हिंट से अपने कोड को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये देखिए, और यहाँ पर भी हमारा वो के वही कॉल हो रहा है। आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे लैपटॉप्स लिखा मैंने, लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स नाम का ना तो डायरेक्टरी है कंट्रोलर, ना ही कंट्रोलर है, ना ही कैटेगरी है, तो वो जनरली हमें 404 वाले व्यू को रिटर्न करवा देगा, क्योंकि ये हो रहा है यहाँ पर जनरली 404, और सिस्टमेटिकली फोल्डर बन गए। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जिस व्यू में काम करना है उस फोल्डर के उस वाली फाइल में जाके काम करना है। ये बेनिफिट होता है एमवीसी में कि सारा व्यू अलग हो जाता है, लॉजिक अलग हो जाता है, कोडिंग अलग हो जाती है, मॉडल और जो डेटाबेस के क्रड ऑपरेशन है वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, मॉडल्स के अंदर मिलेंगे। जो कंट्रोलिंग वाली फाइलें हैं वो आपको कंट्रोलर्स के अंदर मिलती है। ये देखिए इतने सारे कंट्रोलर्स बना चुके हैं। अब मुझे पता है कि मान लो मुझे चैट पे काम करना है, चैट के लॉजिक पे काम करना है, तो मैं चैट के कंट्रोलर फाइल पे चले जाऊँगा। मुझे पता है कि अगर चैट के डेटाबेस के पे काम करना है तो मैं मॉडल्स में जाके वहां पर चैट का से रिलेटेड जो मॉडल होगा वहां पर जाके काम करूंगा। तो मतलब काम करना बहुत आसान हो जाता है एमवीसी फ्रेमवर्क्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू।